रायगढ़ शहर में बीते दिन एक युवा कारोबारी ने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी के मामले में पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ में केस दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और डराने धमकाने के आरोप लगे थे। पुलिस ने इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी करण अग्रवाल उर्फ करण चौधरी, मोहम्मद अफजल और धर्मेंद्र को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। कोतवाली पुलिस मृतक का मोबाइल जब्त कर मृतक और आरोपियों के बैंक अकाउंट की भी जांच कर रही है। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। आरोपियों के द्वारा इन्हें सट्टा खिलवाकर, उधारी में सट्टा खिलाकर इतनी लंबी उनकी जो है जो देनदारी कर दी थी और बार बार उन्हें जो उनकी देनदारी थी उसके संबंध में अवैध रूप से पैसे की उगाही की मांग करना, उनके घर घुस कर ज़बरदस्ती परेशान करना, उन्हें फ़ोन कर कर धमकी देना और इस तरह से उनको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया कि अंत में उन्होंने आत्महत्या करने का जो है ये निर्णय लिया। हमारी पुलिस ने, रायगढ़ पुलिस ने, थाना कोतवाली ने धारा 452, 384, 306, 34 IPC के तहत 4 आरोपियों के विरुद्ध जो है मामला दर्ज किया है और उसमें से आरोपी करण अग्रवाल, आरोपी धर्मेंद्र शर्मा और आरोपी मोहम्मद अफजल ये जो है पुलिस की गिरफ्त में है, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।